जिंदगी में सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। सफलता हमें तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 2 सितंबर के करंट अफेयर पे। देखिए आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के वीडियो में कुल हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के PDF मिल जाएगी और साथ में आप 2018 से अब तक के सारे PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और देखिए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद यानी कि हाई जंप में कौन सा पदक जीता। देखिए मरियप्पन थंगावेलु काफ़ी चर्चित नाम है ये। देखिए मरियप्पन थंगावेलु ने बिहारी में पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। देखिए भारत के जो मरियप्पन थंगावेलु हैं उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T63 प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल के लिए कुल 1.86 मीटर की जो है दूरी तय की थी और इस स्पर्धा में भारत के एक और खिलाड़ी थे शरद कुमार। शरद कुमार ने कुल 1.83 मीटर का आंकड़ा पार करते हुए कांस्य पदक जीता। और देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सैम ग्रेवे हैं, ठीक है, तो सैम ग्रेवे ने इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता कुल 1.88 मीटर के निशान को पार करने के बाद। तो ये स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों मैंने बता दिया किसने किसने जीता है और इसमें दो नाम जो इम्पोर्टेंट है ये दो नाम कौन से हैं, शरद कुमार का और मरियप्पन थंगावेलु का। तो मरियप्पन थंगावेलु ने क्या जीता, सिल्वर मेडल। शरद कुमार ने जीता ब्रॉन्ज मेडल और अमेरिका के सैम ग्रेवे ने क्या जीता था, गोल्ड मेडल, किसमें, पुरुषों के हाई जंप में यानी कि ऊंची कूद प्रतियोगिता में, कहां पर, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए इन दो नए पदकों के साथ जो पदक तालिका है, ठीक है, तो भारत ने पदक तालिका में कुल अपने 10 पदक कंप्लीट कर लिए यानी कि अब तक भारत ने टोटल 10 मेडल जीते हैं। देखिए पिछले वीडियोज़ में, परसों के वीडियो में मैंने बताया था भारत ने जो 7 मेडल जीते थे, किन किन खिलाड़ियों ने ये 7 मेडल जीते थे, और आज मैं आपको 3 मेडल के बारे में बताऊंगा। 2 तो मैं बता चुका हूं, 1 मेडल आपको दूसरे प्रश्न में मिल जाएगा। तो प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय निशानेबाज सिंह राज अधाना ने P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में कौन सा पदक जीता था। तो देखिए जो आपका टोक्यो पैरालंपिक 2020 था तो इसमें सिंह राज अधाना ने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था, किसमें, P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में। आपको बता दूं जो आपके भारत के सिंहराज अधाना हैं इन्होंने कुल 216.8 के स्कोर के साथ जो है ये जो है तीसरे स्थान पर रहे थे और कांस्य पदक जीता। अगर पहले पे होते तो स्वर्ण मिलता, दूसरे पे होते तो रजत मिलता, तीसरे पे चलिए इनको कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। देखिए फाइनल जो आपका हुआ था ये 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 का, तो फाइनल में चीन के गत चैंपियन चाओ यांग जो है, ठीक है, तो चाओ यांग ने 237.9 पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता और जो आपके चीन के ही हुआंग जिंग है इन्होंने 237.5 के स्कोर के साथ जो है रजत पदक जीता था। तो रजत और स्वर्ण दोनों मैंने बता दिया, दोनों चाइना को गया और जो कांस्य पदक था ये इस प्रतियोगिता का कांस्य पदक भारत के किसने जीता, सिंहराज अधाना ने। तो टोटल आपके 10 मेडल कंप्लीट हो चुके हैं। आप परसों का वीडियो एक बार जरा देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा कि वो 7 मेडल किसको किसको दिए गए, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि आज प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे अपना एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए एडिडास जो है इसने बिहाली में मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए एडिडास जो है इसने खेलों में अधिक मासिक धर्म वाली महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए अपने नवीनतम उत्पाद नवाचार के लिए टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए जो है शामिल किया है। देखिए नई जो टेक फीड है ये पीरियड प्रूफ टाइट्स में टैम्पोन या फिर पैड के साथ पहने जाने पर लीक से बचाने में मदद करने के लिए जो है एक शोषक परत है। कहने का मतलब है देखिए जो सैनिटरी पैड यूज़ किया जाता है पीरियड्स में, ठीक है, महिलाओं के द्वारा, तो उसमें क्या होता है, देखिए उसमें तो मान लीजिए नॉर्मली वो लोग पहनते हैं तो उससे जो है क्या होता है, जो लीकेज होता है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो खिलाड़ी होते हैं इनके लिए बहुत ही समस्या होती है, बहुत ही चैलेंजिंग होता है पीरियड्स में जो है
खेल में पार्टिसिपेट करना। तो इसीलिए एक टैम्पोन या फिर पैड के साथ पहने जाने पर जो है एक ऐसा उपकरण बनाया है, उपकरण कह सकते हैं उसको, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि एक पीरियड प्रूफ टाइट्स बनाया है। तो उसको जो है यूज़ करने पर क्या होगा, लीकेज नहीं होगा। तो ये जो है देखिए वुमन, देखिए ये शर्म की बात नहीं है, इस चीज़ पे हमें खुल के बात करनी चाहिए। मासिक धर्म जो है वो प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप भी पैदा हुए हैं, ठीक है। जो पीरियड्स होता है उसी समय क्या होता है, ओवम का एक तरीके से कहा जाए, जो देखिए हमारा स्पर्म तो जो है डेली बनता है लेकिन ओवम जो है महीने में केवल एक ही बार बनता है। वो पीरियड के दौरान महिलाओं के शरीर में रिलीज होता है और उस समय संभोग करने पर क्या होता है, यही ओवम आपके स्पर्म से फर्टिलाइज करता है और उसके बाद फिर जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट से फिर बेबी बनता है, फिर बेबी बनता है, बेबी फिर 9 महीने में जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद वो इस दुनिया में आता है। तो इस पे जो है शर्म करने की बात नहीं है, ये पीरियड कोई सॉरी पीरियड जो शब्द है ये बहुत ही एक तरीके से व्यापक शब्द है, इसका कोई भी गलत अर्थ नहीं निकाल सकता है, ठीक है। देखिए एडिडास कंपनी की बात करें तो एडिडास कंपनी जो है इसके संस्थापक हैं एडोल्फ डेसलर, और इसके एडिडास की स्थापना 18 अगस्त 1949 को ही थी। इसका मुख्यालय हर्जोगेन रॉच जर्मनी के में की आपका स्थित है। देखिए मुख्यालय इसका कहाँ पे, एडिडास कहाँ की कंपनी है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो एडिडास कंपनी जो है एक जर्मन कंपनी है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जर्मनी के हर्जोगे नौराज में, और इसके CEO है वर्तमान में कैस्पर रोर स्टेट। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में पेयू ने 4.7 अरब डॉलर में किस कंपनी का अधिग्रहण किया। तो देखिए पेयू जो कंपनी है इसने भी हाल ही में बिल डेस्क नाम की एक कंपनी का अधिग्रहण किया है, कितना पेमेंट करके, 4.7 अरब डॉलर खर्च करके। देखिए ये जो है पेयू का जो अधिग्रहण है, तो ये अधिग्रहण पेयू और बिल डेस्क की जो संयुक्त इकाई है इसको वैश्विक स्तर पर और भारत में कुल भुगतान मात्रा द्वारा अग्रणी ऑनलाइन भुगतान प्रदाता बना देगा। और पेयू कंपनी की बात करें तो देखिए पेयू के CEO हैं लॉरेंट लेमोल, और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। और जो बिल डेस्क कंपनी है तो देखिए बिल डेस्क कंपनी के संस्थापक हैं MM श्रीनिवास अजय, और आपको बता दूं इसमें एक और मेंबर हैं कौशल और एक और मेंबर हैं कार्तिक गणपति। तो इन तीनों ने मिलकर बिल डेस्क की स्थापना की थी और बिल डेस्क कंपनी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बिल डेस्क की स्थापना 29 मार्च 2000 में की गई थी। और अगले प्रश्न में चर्चा करने से पहले बता दूं, देखिए जो मंथली करंट अफेयर का अगस्त महीने का वीडियो था तो इसका पार्ट 2 भी मैंने अपलोड कर दिया है, इसकी PDF जो फुल डिटेल वाली है जिसको आप परचेज करते हैं हर महीने तो वो भी अपलोड कर दी है, आप पार्ट 2 देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों जो है वीडियो में आपको PDF की लिंक मिल जाएगी। और साथ में देखिए जो लाइव क्लासेस मैं चलवा रहा हूँ, आप क्या इससे संतुष्ट हैं, एक बार जरा उस वीडियो को, जितने भी लाइव क्लासेस चले हैं अब तक 3 क्लासेस चले हैं, ठीक है, तो आप एक बार उसको देखिए और उसको देखने बाद मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या ये क्लासेस कंटिन्यू होनी चाहिए, तो तुरंत बताइएगा। पांचवा प्रश्न कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं डेल स्टेन, और जो आपके डेल स्टेन हैं ये दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज थे, और 38 साल के जो आपके ये गेंदबाज हैं डेल स्टेन, इन्होंने अपने 17 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान दक्षिण अफ्रीका के लिए 93 टेस्ट मैच, 125 एक दिवसीय यानी कि वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच और 47 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जो है खेले थे। और छठवां प्रश्न कि निम्न में से किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका चीन यानी कि चाइना है, ठीक है, तो चाइना ने जो है बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की जो लत है उसको दूर करने के लिए एक नियम बना दिया है कि आप हफ्ते में केवल 3 घंटे ही वीडियो गेम खेल सकते हैं। देखिए आपको बता दूं ये जो नियम बनाया गया है चीन में, तो ये नियम 18 साल से कम आयु वालों के लिए बनाया गया है, यानी कि 18 साल के ऊपर के बच्चों के लिए कोई नियम नहीं है, वो जितना मर्जी उतना खेले, लेकिन अगर उनकी उम्र 18 से कम है बच्चों की तो उनके लिए नियम है कि वो 1 सप्ताह में केवल 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल पाएंगे, क्योंकि चीन की सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए ये कदम उठाया जाना बहुत ही जरूरी है। और चीन के बारे में जान लीजिए, देखिए चीन जो है ये आपका ईस्ट एशिया में स्थित है, हमारा पड़ोसी देश भी है, भारत की सीमा चीन के साथ लगती है, चीन टोटल 14 देशों के साथ अपनी सीमाएँ बनाता है। चीन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, और चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन जो है इसका टोटल एरिया कितना है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और चीन का क्षेत्रफल कितना है,
9.597 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और चीन की पॉपुलेशन कितनी है वर्तमान में, 139.77 करोड़। तो ये चाइना के बारे में डिटेल है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, चीन की मुद्रा। देखिए चीन की मुद्रा क्या है, युआन है, और इसकी एक यूनिट है रैन मिनबी। तो रैन मिनबी और युआन ये चीन की मुद्राएं हैं। सातवां प्रश्न की, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को शुरू किया। तो देखिए जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इसने भी हाल ही में डेयरी किसानों की मदद के लिए ई गोपाला नाम का एक वेबसाइट लॉन्च किया है। देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है, तो इसके एक बयान में बताया गया कि जो आपका ये ई गोपाला मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट है, तो इसका जो वेब संस्करण है इसको शुरू किया गया है। और ये वेब पोर्टल जो है, ये डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता के लिए डेयरी किसानों को रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराएगा। यानी कि आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिलेगी, कैसे डेयरी में क्या क्या करना है, जो भी है खुराक वगैरह, जो भी क्या न्यूट्रिशन देना है जानवरों को। और देखिए जो आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय आपका आनंद में है। आनंद कहाँ पर है, आनंद आपका गुजरात में स्थित है। तो गुजरात के आनंद में इसका मुख्यालय है। और देखिए जो आपकी कंपनी है अमूल, ठीक है, तो ये भी आनंद में ही इसका हेडक्वार्टर है। और आज ये भारत की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है, कौन सी, अमूल। और देखिए जो आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इसकी स्थापना वर्गीज कुरियन ने की थी। वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन यानी कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और देखिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1965 में। आठवां प्रश्न की, हाल ही में लोगों को मुफ्त पानी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया। तो देखिए जो आपका गोवा है, ये पूरी तरीके से लोगों को फ्री में वाटर सप्लाई करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, अभी हाल ही में इन्होंने कहा कि 1 सितंबर से, कब से, 1 सितंबर से पूरे राज्य में फ्री में पानी दिया जाएगा। और जो आपके जो प्रमोद सावंत जी, इन्होंने ये भी कहा कि गोवा में अब कुल 16,000 लीटर पानी मुफ्त में दिया जाएगा, और 1 सितंबर से 60% परिवारों को जीरो बिल मिलेगा। यानी कि 16,000 लीटर अगर आप पानी यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री है, इसके ऊपर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ेगा। तो ये मुफ्त पानी का कैटेगरी है 16,000 लीटर। और देखिए जो फ्लैट या फिर कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोग हैं, ये इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। गोवा की बात करें तो देखिए गोवा का क्षेत्रफल है 3,702 किलोमीटर स्क्वायर। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा की पॉपुलेशन है 18.2 लाख, और गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। नवा प्रश्न की, हाल ही में किस लेखक को राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 था, देखिए इसमें दो पुरस्कार छूट गए थे। पहला राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, और दूसरा नेपाली भाषा के लिए, ठीक है। तो देखिए राजस्थानी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 है, ये दिया गया है भंवर सिंह सामर को। देखिए राजस्थानी लेखक जो आपके भंवर सिंह सामर हैं, तो इनकी जो कृति थी संस्कृति री सनातन दीठ, ठीक है, तो इसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से। और जो नेपाली वाला छूटा था, तो देखिए प्रख्यात नेपाली लेखक शंकर देव ढकाल की जो कृति है किरायको कोख, इसके लिए नेपाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है किसको, शंकर देव ढकाल को, ठीक है। तो यहाँ पे दो अपडेट याद रखिएगा, भंवर सिंह सामर को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है किसके लिए, इनको इनकी कृति संस्कृति री सनातन दीठ के लिए। और नेपाली भाषा के प्रख्यात लेखक जिनका नाम क्या है, शंकर देव ढकाल, तो इनको इनकी कृति किरायको कोख के लिए जो है नेपाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और ये चीज़ यह रखेगा कि इसके पहले जो साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, उसमें ये दोनों पुरस्कार घोषित नहीं किए थे, थोड़ा सा समय लग गया विचार करने में। और इन दोनों को जो ये पुरस्कार ही दिया गया है, इनके जो है तत्काल वर्ष के पहले के पूर्ववर्ती 5 वर्षों यानी कि 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2018 के मध्य प्रकाशित इनके पुस्तकों पर विचार करते हुए। और देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का जिन्होंने वीडियो नहीं देखा था, उनको मैं फिर से एक बार पुरस्कारों की लिस्ट दे दे रहा हूँ। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के विनर की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए 12 पुरस्कार आपको यहाँ पे दिख रही हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए अभी। और बाकी के बचे पुरस्कार आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। इसके पहले टोटल जो है 20 पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्या इन लोगों को, मतलब एक साथ 24 भाषाओं के पुरस्कारों की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। तो
तो ये पुरस्कार आप जो है नोट कर लीजिएगा। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के ये जो विनर्स हैं यानी कि विजेता हैं, इनको मतलब पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाएगा, एक ताम्र पट्टिका, एक साल और टोटल कितना 1 लाख रुपए का नगद राशि। देखिए आपका जो साहित्य अकादमी है ये हर साल 24 भाषाओं के रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजता है, इसको याद रखिएगा। बाकी जो बचे हैं देखते हैं कब तक जो है वो अपडेट होता है। 10वां प्रश्न की हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया है। तो देखिए हाल ही में जो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे लियाम प्लंकेट जो है ये अब अपने देश को छोड़ेंगे, ये अब अमेरिका की तरफ से खेलेंगे, अमेरिका जाने का इन्होंने फैसला किया है। और लियाम प्लंकेट जो है ये आपको बता दूं 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था तो देखिए उसमें इंग्लैंड विनर रही थी। याद रखिएगा 2019 का क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था, इंग्लैंड ने जीता था और उसी टीम का ये हिस्सा भी रहे, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इसमें यानी कि 2019 के वर्ल्ड कप में लियाम प्लंकेट ने। 11वां प्रश्न की प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो देखिए जो आपका प्रो कबड्डी लीग है 2021 का तो इसके लिए जो है बोली अभी हाल ही में लगाई गई थी और इसमें प्रदीप नरवाल जो है सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए। इनको खरीदा किसने, इनको खरीदा यूपी योद्धा ने जो है अभी हाल ही में नीलामी में इनको कुल 1.65 करोड़ रुपये में खरीदा, जिससे वो इस लीग के इतिहास में सबसे बड़ी कीमत हासिल करने वाले कबड्डी प्लेयर बन गए। और एक चीज़ और है, देखिए जो आपका यूपी योद्धा का टीम है तो देखिए दिसंबर में शुरू होगा, दिसंबर में जो है जो आपका प्रो कबड्डी लीग है 2021 में आयोजित होगा, तो ये जो है दिसंबर में शुरू होने वाले 8वें सत्र के लिए जो है नीलामी के दूसरे दिन जो है सोमवार को नरवाल को अपने टीम से जो है इन्होंने जोड़ा। तो इस साल जो है 8वां सत्र जो आपका है प्रो कबड्डी लीग का ये कब आयोजित होगा, दिसंबर महीने में, ठीक है। और 12वां प्रश्न की सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने। देखिए सीमा सुरक्षा बल को अंग्रेजी में हम BSF के नाम से जानते हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसका पूरा नाम है। और अभी हाल ही में पंकज कुमार सिंह बनाए गए हैं BSF के यानी कि सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक और इन्होंने इस पद पर SS देसवाल का स्थान लिया है जिनका अभी हाल ही में कार्यकाल जो है समाप्त हो गया है। तो याद रखिएगा पंकज कुमार सिंह बन गए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल के निदेशक। देखिए जो आपका सीमा सुरक्षा बल है बहुत लोग कहते हैं ये SSB है, नहीं ये BSF है, ठीक है। SSB दूसरा कुछ होता है, वहाँ पे भी नहीं जाएंगे। तो BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम, सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है, सीमा सुरक्षा बल को हम BSF के नाम से जानते हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 को। और सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, पंकज कुमार सिंह। 13वां प्रश्न की भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के नए महानिदेशक कौन बने। तो देखिए जो आपका भारत तिब्बत सीमा पुलिस है यानी कि ITBP है, इसके नए महानिदेशक बन गए हैं संजय अरोड़ा। देखिए जो ITBP है यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली इंडिया में और इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। और आज का आखिरी प्रश्न की किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की। तो देखिए मेरा काम मेरा मान योजना को शुरू किया है पंजाब की सरकार ने, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और इनकी जो योजना है जिसका नाम क्या है, मेरा काम मेरा मान। तो इस योजना के तहत ये क्या करेंगे, जो पंजाब के बेरोजगार युवा हैं उनको स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल प्रशिक्षण देंगे फ्री में, ठीक है। और इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की जो शुरुआत है ये 12 महीने की अवधि के लिए जो है स्टार्ट होगी और 12 महीने की ट्रेनिंग के दौरान इनको प्रतिमाह यानी कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको 2500 रुपये का रोजगार सहायता भत्ता भी दिया जाएगा। तो अगर आप बेरोजगार हैं और पंजाब में रहते हैं, अगर आपकी इच्छा करे, ठीक है, अगर आपकी इच्छा करे तो ही जाइएगा स्किल लेने, आपको जो है 12 महीने की ट्रेनिंग भी मिलेगी, 2500 रुपये वहाँ पर आपको भत्ता भी मिलेगा, ठीक है। और देखिए जो आपकी ये मेरा काम मेरा मान योजना है तो इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को कौशल सुधारने और नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए 90 करोड़ रुपये की लागत से कुल 30,000 लाभार्थियों को प्रशिक्षण का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है पंजाब की सरकार के द्वारा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे और बताना है आपको कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, ठीक है। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 5 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, तो इससे मूल्यांकन हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके लिए कि किस राज्य सरकार ने
कुश्ती को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है, बताइए। और दूसरा प्रश्न कि भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, बताइए। तीसरा कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है, बताइए। और चौथा कि वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था उसे किस नाम से पहचान मिली है, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना ने किस स्थान पर एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। प्रश्न का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किसे ओडिशा सरकार के द्वारा बीजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया गया, तो ये पुरस्कार अमित रोहिदास को दिया गया है। और दूसरा था कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला मेडल भावीना पटेल ने किस खेल में दिलाया था, तो देखिए इन्होंने टेबल टेनिस में ये मेडल दिलाया था। और इसके बारे में डिटेल में जानना तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और तीसरा था कि टोक्यो पैरालंपिक में निषाद कुमार ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीता, तो इन्होंने हाई जंप इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। और चौथा था कि योगेश कठुनिया ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में सिल्वर मेडल जीता, तो इन्होंने डिस्कस थ्रो में जो है ये सिल्वर मेडल जीता था। और पांचवा था कि देवेंद्र झाझरिया ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने भी जो है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर और टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, बहुत सारे PDF मिल जाते हैं फ्री में, और बहुत सारी वीडियोस के लिंक मिल जाती है, ठीक है। तो इन सबको ज्वाइन कर लीजिएगा क्लिक करके। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।